अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? आज आप देख रहे हैं ये ड्रम स्टिक्स पड़ी हैं, तो एक्जैक्टली हम ड्रम स्टिक बनाने लगे हैं। बड़ी डिफरेंट तरीके से बताऊंगी और बड़ी अच्छी टेंडर, बड़ी सॉफ्ट जूसी सी ये ड्रम स्टिक्स होंगी। तो बच्चों की बहुत फेवरेट हैं, बड़ों की भी फेवरेट हैं। ये आप किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में एज अ साइड डिश के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जो चिकन चाहिए उसको हमने सबसे पहले कट्स लगा लेने हैं, इस तरह से करके ये हड्डी तक और इधर से ये आपने इस तरह से करके कट लगा लेने हैं सारे चिकन को। ये बहुत बड़े नहीं है, अगर आपके बड़े लेग पीस हो तो आप उसमें ज्यादा कट्स लगा सकते हैं, लेकिन इतने दो या तीन इनफ हैं। तो अब हम इसी तरह सारे इसके चिकन को कट्स लगा लेते हैं। हाँ जी, ये अब हमारा चिकन को कट्स लग चुके हैं। अब हम नेक्स्ट में आपको बताती हूँ अब हमने क्या करना है। ये हमारा चिकन है 900 ग्राम, ठीक है? तो ये हैं तकरीबन 16 पीसेस मेरे पास। उसके लिए हमें सबसे पहले अब हमने इसको वॉश करना है, जिससे ये होगा कि इसका अंदर का जूस जो है ना वो बरकरार रहेगा। उसके लिए हमें ये है कि एक टेबल स्पून भर कर इसके अंदर नमक का डालना है, नॉर्मल नमक, ठीक है? एक टेबल स्पून हमने ये डाल दिया और तीन टेबल स्पून हमने सिरके के डाल देने हैं। इससे ये है कि एक तो इसकी खुशबू पर रहेगी, यानी कि स्मेल सी जो आती है वो नहीं आएगी, और दूसरा ये है कि ये ना बहुत अच्छे जूसी से और बड़े अच्छे टेंडर और सॉफ्ट से बनेंगे। ऊपर से हार्ड होंगे, यानी कि थोड़े से क्रिस्पी होंगे, और अंदर से जो है ना वो सॉफ्ट होंगे। तो ये अब हमने डाल दिया इसमें पानी। पानी डाल दें, जितना मर्ज़ी डाल दें। नमक आप एक से डेढ़ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी इसको हमने 15 मिनट के लिए ढाँप कर रख देना है। मुझे पानी की मिकदार इसमें कम लग रही है, तो मैं आधा गिलास इसमें पानी और शामिल कर लूँगी ताकि ये प्रॉपर डिप हो सके। हाँ जी, वेलकम बैक। ये देखें हमारा चिकन वॉश हो चुका है, बड़ा अच्छा, एक साफ सुथरा सा और बिल्कुल स्मेल नहीं रहेगी। इससे ये है कि बड़ा जूसी सा बनेगा। तो इसकी अब हम मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। मैरिनेशन के लिए हमें एक चाहिए बाउल, उसमें हमें चाहिए एक, दो और ये तीन टेबल स्पून उसके लेमन जूस के, ठीक है? इसके अलावा हमें 3 टेबल स्पून चाहिए योगर्ट के, कोई से भी आप योगर्ट ले लें, घर पे बना हुआ या कोई सा भी। तो हमें 3 टेबल स्पून चाहिए योगर्ट के, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए अदरक लहसुन, तो अदरक लहसुन जितना भी डालें अच्छी, एक बड़ा अच्छी खुशबू सी आती है उसमें। तो मैंने चॉप किया हुआ है इसको, अदरक लहसुन को, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमें चाहिए कोई सा भी टिक्का मसाला ले लें, ठीक है? इसी तरह के टिक्का टाइप का बनेगा, कोई सा भी टिक्का मसाला ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें। मेरे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैंने ये बनाना इससे बना रही हूँ। तो हम इसके तकरीबन 3 चम्मच हम इसके टिक्के मसाले के डालेंगे। इसमें हर चीज़ मौजूद होती है, आपको अलग अलग नहीं लानी पड़ती, क्वान्टिटी नहीं पूरी ऊपर नीचे होती, इसलिए ये मसाले बड़े अच्छे बेनिफिशली हैं कि आपको बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग कर देते हैं। अच्छा जी, एक ये है, 2 और ये 3 टेबलस्पून हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे,
और ये हम तकरीबन 3 घंटे के लिए अपने चिकन को इस तरह से मसाला लगा के रखेंगे। इससे ये है कि अगर तो सर्दी है तो आप इसको बाहर रहने दें, अगर गर्मियां हैं तो इसको फ्रिज में ढाँप कर रख दें। एक अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर हम इसका बनाएं। एक बड़ा अच्छा स्मूथ खूबसूरत टेक्सचर बन गया है। ये देखिए मसाले का, ये मसाले बड़े अच्छे सुकून इसलिए होता है कि हर चीज़ इसमें पूरी होती है, इसमें यूँ नहीं करना पड़ता अलग से ये चीज़ डालो, नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए और पेपरिका पाउडर लो, लाल मिर्च लो, इसमें हर चीज़ पूरी होती है, कलर भी आ जाता है और खूबसूरत सा एक साइका भी आ जाता है। तो खैर मैं किसी ब्रांड को वो नहीं कर रही, रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। अब हमने एक इस तरह से लेग पीस उठाकर एक एक लेग पीस को अच्छे से हमने इस तरह से करके इसमें कोट कर देना है, ठीक है, इसी तरह फिर पकाया के भी अच्छी तरह। नहीं तो आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये है कि आप अपने हाथ का यूज़ करें। हाथ का यूज़ करने से ये है कि उस दिन भी मैंने आपको यही कहा था कि आपके अपने हाथ का भी टेस्ट आता है, हर बंदे के हाथ में खुदा ने कुदरती तौर पर एक टेस्ट रखा होता है। तो ये इस तरह से करके इसको अच्छे से कट्स के अंदर करें ताकि कट्स के अंदर लगता जाए मसाला। इसी तरह हम डालकर इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 घंटे के लिए रखेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर हम आपको इसका बताएंगे। अब इस स्टेटस पे ना आपने क्या करना है, पहले हम इसको सारा लगा लें। अब हमने इसमें एक अंडा भी डाल देना है। अंडे की रेसिपी के साथ अच्छी, अब हम इसको रख देते हैं, आपसे मिलते हैं इसकी मैरिनेशन के बाद। मुझे वो बाउल छोटा लग रहा था, मैंने इस तरह से करके बड़ा बाउल कर दिया। अब ये इसकी सारी मैरिनेशन हो गई हुई है कंप्लीट। अब इसको हम ढांप कर 3 घंटे के लिए रख देते हैं। मैं तो बाहर ही छोड़ रही हूँ, अगर आप चाहें तो, अगर बहुत गर्मी है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें। हाँ जी, वेलकम बैक। ये 3 घंटे गुजर गए हैं हमारे ड्रमस्टिक को। अब हमने क्या करना है, अब हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब हमने इसको फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करने से पहले हमने डालना है 1 टेबलस्पून भर कर मैदे का, और आप कॉर्नफ्लोर भी 1 स्पून डाल सकते हैं 1 चम्मच के करीब, तकरीबन मैं 1 से ज़रा ज़्यादा ले रही हूँ। अच्छा, और साथ हमने क्या करना है, ये है बेसन। अब हमने तकरीबन 1, 2 और 3 ये लेकर देखना है, हमने इसको अच्छे से वो करना है, कोट करना है। इससे ये है कि ये सारा पानी इसका जूस लेगा और ये फिर ग्रीसी से इस तरह से नहीं बनेंगे, ये बड़े अच्छे क्रिस्पी से बन जाएंगे। तो हम, मुझे बेसन कम लग रहा है, मैं 1 चम्मच और ऐड कर देती हूँ। अच्छे से इस तरह से करके अब आपने सारे मसाले को फिर से अगेन हाथ की मदद से अपने हाथ का टेस्ट लाएं इसमें। ये अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। ये देखें बिल्कुल अच्छे से मसाला लग रहा है और ये कोटेड, एक तरह से कोटेड काम भी करेगा कि ये इसके ऊपर एक कोटिंग भी आ जाएगी। तो ये हमारी चिकन टिक्का ड्रमस्टिक बन रही हैं।
हाँ जी 5 मिनट गुजर गए, 5 मिनट के बाद हमने इस तरह से ढक्कन उठाना है और हमने एक एक करके पलटना है इसको। ये देखें इस पर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। इसी तरह करके ये इस तरह, ये बड़ी अच्छी आपकी एक क्रिस्पी और बड़ी सॉफ्ट और टेंडर, बड़ी मज़े की बनेगी आपकी। ओए थोड़ा सा आराम से, एक हाथ से करना पड़ रहा है, असल में एक हाथ में मोबाइल है। अब ये हमने सारी टर्न कर ली है, उसके बाद हमने मज़ीद इसको 5 मिनट इसी तरह दम लगा देना है, दम पर हमने फ्राई करनी है। हाँ जी ये हमारे ड्रमस्टिक चिकन टिक्का ड्रमस्टिक तैयार हैं और देखें कितने मज़े के बने हैं, बड़ी अच्छी इसकी शक्ल है, बड़े क्रिस्पी से हैं, ये आपको महसूस हो रहा होगा, और अंदर से बड़े सॉफ्ट से हैं, इस तरह नहीं है कि बिल्कुल इसमें एक ककड़ाओपन आ गया, लेकिन बहुत अच्छे सॉफ्ट अंदर से हैं। और साथ हम इसकी इमली की चटनी सर्व कर रहे हैं, तो आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।